नमस्कार, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्ण। वास्तु शास्त्र के अनुसार बताए गए जगह पर घर में झाड़ू रखने पर माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। आज हम बात करेंगे वास्तु शास्त्र के बताए गए झाड़ू रखने के सही तरीके व स्थान पर। वास्तु शास्त्र के अनुसार हर काम के अलग अलग नियम होते हैं। ऐसे में यदि आप उनकी सलाह के अनुसार घर में सारी चीजों को रखें तो यह बेहद शुभ होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू रखने के भी सही तरीका जानना बेहद जरूरी है। ऐसी मान्यता है कि घर में झाड़ू सही जगह पर नहीं रखने से माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती है, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। यदि आप घर की दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो वास्तु शास्त्र के बताए गए जगहों पर ही झाड़ू रखें। पहला, झाड़ू को घर में हमेशा छुपा कर रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार पैसे की तरह झाड़ू को भी छुपा कर रखना बेहद लाभकारी माना जाता है। इससे घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है और घर में दरिद्रता का वास नहीं होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू को रखते समय हमेशा लिटा कर रखें। ऐसा नहीं करने से घर में पैसे की तंगी हो जाती है। दूसरा, झाड़ू रखने का सही दिशा। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में झाड़ू हमेशा दक्षिण दिशा में रखना लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता कभी नहीं आती और घर की खुशी हमेशा बनी रहती है। तीसरा, रात में झाड़ू रखने की सही जगह। वास्तु शास्त्र के अनुसार रात के समय झाड़ू को घर के बाहर खासकर मुख्य प्रवेश द्वार पर रखना बेहद लाभकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि रात में ऐसी जगह पर झाड़ू रखने से नकारात्मक शक्तियां घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती और आपका घर खुशहाल बना रहता है। चौथा, खाने की जगह पर ना रखें झाड़ू। वास्तु शास्त्र के अनुसार खाना खाने की जगह या खाना बनाने की जगह पर माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसी जगह पर झाड़ू रखने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होने का खतरा हो सकता है। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। थैंक यू।